You're watching Exposed India. हिंदू धर्म में कई ऐसे देवी देवता हैं जिनकी पूजा करने के अलग अलग विधि विधान हैं। इन्हीं पर्वों में से एक है रामनवमी। कोई 2 दिन का व्रत रखता है तो कोई 9 दिन का, तो कोई शरीर पर कलश रखकर रामनवमी की पूजा करता है। लेकिन गोरखपुर में एक ऐसा पुजारी है जो अंगारों पर चलता है और माता को खुश करता है। ये पुजारी गोरखपुर के बुढ़िया माता के मंदिर में रामनवमी पर हवन होने के बाद जो आग बचती है उसी अंगारों पर नंगे पांव चलता है और पुजारी के पांव या शरीर पर कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग इसे अंधविश्वास की संज्ञा देते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि पुजारी पर माता की कृपा है जिससे उसे कुछ नहीं होता। यहाँ नवमी के दिन माता के दरबार में पूजा होता है जिसमें यहाँ का पुजारी जो है खप्पर उठाते हैं। खप्पर उठाने के बाद में माता के दरबार में फिर दूसरे स्थान पर काली जी के स्थान पर आते हैं और यहाँ पर जो है खप्पर उठाते हैं और आग पर चलते हैं। यहाँ सदियों पुराना जो है परंपरा चला आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप वहाँ अपने कैमरों से जो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो आगे हम लोग का जो सहन नहीं हो पा रहा है, क्या वो पुजारी कैसे उस पर चलेगा? मंदिर के पुजारी माने रामदेव जी यहाँ पर माता के दरबार में खप्पर भी उठाते हैं और एक खप्पर ऐसा उठाते हैं जिस पर आग पर चलते हैं और उनके गोल में कहीं भी कोई छाला वाला नहीं पड़ता है और जो भी यहाँ आता है उनकी सभी मुरादें पूरी होती है। आज सदियों से आज के दिन नवरात्र के 9वें दिन माता जी का पूजा चढ़ता है, जोनार चढ़ाया जाता है, खप्पर चढ़ाया जाता है और जो शेष आग बचती है उस पर महंत जी चलते हैं और चल के माता जी आती हैं, उनके ऊपर सवार होती हैं, चलते हैं और उसके बाद खप्पर लेके अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं और पैर में उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। श्रद्धा है, श्रद्धालु आते हैं, आज के दिन तमाम भीड़ लगी रहती है, आशीर्वाद माता जी से लेते हैं, हर मनोकामना उनकी पूरी होती है और सदियों से आदि शक्ति बुढ़िया माई हैं, सबका मनोकामना पूर्ण करती हैं, यही यहाँ का आस्था है।